So welcome to my channel. So in this video we are going to see all about hackathon. So in previous years मैंने बहुत सारे hackathons के अंदर participate किया था. एक हमारा SIH hackathon, then ACM hackathon, then Google hackathon, then Flipkart, then Amazon hackathon. So, so many hackathons experience. So hackathon क्या होता है? So hackathon is basically creating or maybe discovering a new idea. Okay. मे बी हम लोग एक न्यू प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने वाले हैं यूजिंग सॉफ्टवेयर और यूजिंग हार्डवेयर. ओके, तो एसआईएच हैकाथॉन के अंदर हम लोगों को थोड़ा डिफरेंट एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि तो इस हैकाथॉन के अंदर गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्रीज हम लोगों को प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है. ओके, मे बी DRDO, मे बी ISRO, मे बी अदर स्टेट लाइक वेस्ट बंगाल, गुजरात, बिहार, यूपी, एंड उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम लोगों को सॉल्व करना पड़ता है. ओके, एंड एसआईएच के अंदर आप डायरेक्टली रजिस्टर नहीं कर पाओगे. इसके लिए आपको सिंपली सबसे पहले एसआईएच इंटरनल हैकाथॉन, जो हमारा कॉलेज लेवल हैकाथॉन होता है, कॉलेज एक हैकाथॉन ऑर्गेनाइज करता है, उसके अंदर आपको सिंपली 10 या 20 टीम्स के अंदर आना होता है एंड सिंपली कॉलेज आपको रजिस्टर कर देगा एसआईएच हैकाथॉन के लिए. ओके, तो एसआईएच हैकाथॉन अभी लाइव है, उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी अभी लाइव है, तो आप सिंपली जाके उसको चेकआउट कर सकते हो. उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है लाइक हेल्थ प्रॉब्लम, एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, मे बी फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम एंड सो ऑन सो ऑन, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर. सो आपको क्या करना है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को चूज करना है. ओके, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को चूज करने के बाद आपको एक टीम क्रिएट करना होता है. सबसे पहले टीम क्या होता है, टीम के अंदर मैक्सिमम 6 पीपल होना चाहिए. ओके, एंड उसमें से एक मेंबर आपका गर्ल मेंबर होना चाहिए. ओके, मे बी आपके टीम के अंदर दो या पूरा टीम ही एक गर्ल मेंबर टीम है, इट इज कम्प्लीटली ओके, बट मिनिमम आपको 1 गर्ल मेंबर होना चाहिए हैकाथॉन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, एसआईएच हैकाथॉन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए. ओके, नेक्स्ट आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को चूज करना होता है. तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप कैसे चूज करोगे, तो आप पूरे जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको दिया हुआ होता है, आप पूरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एक बार चेक करो. ओके, मतलब हमारे पास मे बी 142 सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स है, 82 हमारा हार्डवेयर प्रॉब्लम्स है. आप सब प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एक बार चेकआउट करो. ओके, उसके अंदर आप देखो कौन सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट इंटरेस्टिंग है. ओके, एंड आप उसको सॉल्व कर पाओगे. ओके, तो देन आपको एक न्यू अप्रोच सोचना होगा. मे बी मैंने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखा था प्रीवियस ईयर के अंदर, उसके अंदर बोला गया था कि हमारा जो VPN है, उस VPN के अंदर हमारा ओरिजिनल लोकेशन तो शो नहीं करेगा, तो हम लोग उस VPN को कैसे क्रैक कर पाएंगे. तो मार्केट में बहुत सारे VPN क्रैकर अवेलेबल है, बट हम लोगों को एक न्यू डिफरेंट आइडिया और मे बी सबसे अच्छा एल्गोरिदम, मे बी सबसे अच्छा एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होता है. इस तरीके से हमारा एसआईएच काम करता है, आपको सिंपली एक डिफरेंट एंड समथिंग न्यू मे बी बेटर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करना होगा. ओके, तो इसके लिए आपको सबसे पहले पूरे जो कुछ भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको आप लोग एक बार चेक कर लेना. उसके बाद आपको जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट इंटरेस्टिंग एंड लगेगा कि इसमें मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, तो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप सिंपली चूज कर लेना. ओके, नेक्स्ट वी हैव एसआईएच इंटरनल हैकाथॉन. तो एसआईएच इंटरनल हैकाथॉन के अंदर आपको मे बी प्रोटोटाइप नहीं बनाना होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा PPT एंड आपका जो अप्रोच है उसको लिखना पड़ता है एंड उसके बाद कॉलेज को सबमिट करना पड़ता है. मे बी 1 डे के अंदर आप कॉलेज के अंदर जाओगे एंड उसके अंदर PPT को प्रेजेंट करोगे, आपके आइडिया को बोलोगे, कॉलेज उसको इवेल्युएट करेगा, उसके बाद आपको बोलेगा कि हाँ मैंने तुमको सिलेक्ट कर लिया है, मैं तुमको रजिस्टर कर दूंगा एसआईएच हैकाथॉन के अंदर. ऐसे काम करता है एसआईएच इंटरनल हैकाथॉन. ओके, नाउ एसआईएच इंटरनल हैकाथॉन के अंदर आपने कम्प्लीटली पार्टिसिपेट किया एंड सक्सेसफुली आपने उसको क्लियर कर लिया. अभी आपको क्या करना होगा, अभी आपको जो हमारा मेन हैकाथॉन है एसआईएच हैकाथॉन, उसके लिए आपको एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाना होगा, मे बी वर्किंग प्रोटोटाइप. ओके, मतलब जिसके अंदर आप जो हमारा मेन मोटिव है वो थोड़ा सा फुलफिल हो रहा है एंड आप उसके साथ बहुत सारे
ऑर्नामेंट्स लाइक, तो उसके साथ आप बहुत कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी आप लगा सकते हो जिससे आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा स्टैंड आउट करे। ओके, नेक्स्ट आपको बुलाया जाएगा अगर आप फाइनल लिस्ट के अंदर एक्सेप्ट हुए तो फिर। ओके, और मैं एक इम्पॉर्टेंट नोट आपको बोल देता हूँ, हर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर एक विनर होगा। ओके, मे बी इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि हर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर विनर होगा, लेकिन मोर लेस सब प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर एक विनर होगा। ओके, मे बी टू विनर, मे बी नो वन इज विनर, बिकॉज जजेस को एक भी आइडिया अच्छा नहीं लगा, तो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर जजेस ने किसी को चूज नहीं किया, हो सकता है। ओके, इसको एक अलग केस के अंदर साइड में कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नहीं होता। मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि हर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर एक विनर निकल के आता है। ओके, तो उसके लिए आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबमिट करना होता है, एंड ऑनलाइन जजेस के बाद आपको एसआईएच मेल करेगा कि हाँ भाई तुमने सक्सेसफुली पीपीटी राउंड क्लियर कर लिया, अभी हम लोग तुमको हमारे फाइनल राउंड के लिए बुलाएंगे। तो एसआईएच क्या करेगा, आपको टिकट प्रोवाइड करेगा, टिकट का जो मनी है उसको आपको प्रोवाइड करेगा, एंड आप सिंपली जो जहाँ पे एसआईएच कॉन्टैक्ट होगा, मे बी बेंगलोर, मे बी हैदराबाद, मे बी वेस्ट बंगाल, मे बी गुजरात, एनीवेयर, तो उसको आपको सिंपली उधर जाना होगा, एंड जाने के बाद आपको 1 डे एंड 2 डे, मे बी 2 डे के अंदर आपको एक प्रॉब्लम को जो सॉल्व आपने अप्रोच किया था उस अप्रोच को प्रोटोटाइप बनाना होगा। आप पहले भी थोड़ा बहुत बना ले जा सकते हो, एंड जाने के बाद थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन विद इन 2 डेज जजेस आपके पास आएगा, आपको थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करने के लिए बोलेगा। आपको विद इन 2 डेज आपको वो मॉडिफिकेशन करना होगा उस प्रॉब्लम के अंदर, मतलब उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर आपने जो अप्रोच किया था, आपका जो सोल्यूशन है उसके अंदर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना होगा। उस मॉडिफिकेशन के अंदर जजेस फिर से आएंगे एंड आपको देखेंगे कि आपने वो मॉडिफिकेशन कैसे किया, कैसे आपने इम्प्लीमेंट किया, कैसे आपका जो सोल्यूशन है वो सबसे स्टैंड आउट हो रहा है। सब कुछ चेक हो जाने के बाद फाइनली एक रिजल्ट निकलेगा जिसके अंदर आप अगर विनर हुए तो आपको कैश प्राइज मिलेगा। यस, कैश प्राइज मिलेगा, हाँ कैश प्राइज मिलेगा, एंड बहुत कुछ सर्टिफिकेट्स एंड बहुत कुछ मिलेगा, एंड लास्ट थिंग इज आपको एक एक्सपीरियंस होगा कैसे आपको एक रियल लाइफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कैसे सॉल्व करना होता है। सो हैकाथॉन्स का ऑब्जेक्टिव ही होता है कि एक न्यू, कॉम्प्लीटली न्यू एक प्रॉब्लम का जो सॉल्व है, जो आइडिया है उसको डिस्कवर करना। तो हैकाथॉन्स आप कर सकते हो, बहुत अच्छा होता है हैकाथॉन, जिससे आप लोगों को बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा, आप एक प्रॉब्लम को कैसे जल्दी से सॉल्व कर पाओगे, एंड लास्ट थिंग आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे क्योंकि आप आपके टीम के साथ हो, आपके टीम के साथ आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करो जो मे बी नेक्स्ट टाइम विनर होने के बाद गवर्नमेंट उसको यूज़ करे, तो ये बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट हो जाता है। इसीलिए आप कोशिश करो कि एसआई हैकाथॉन, मे बी अदर हैकाथॉन, अदर हैकाथॉन भी ऑलमोस्ट सेम काम करता है, मे बी उधर हमारा इंटरनल हैकाथॉन जो हमारा कॉलेज लेवल हैकाथॉन है उसको कॉन्डक्ट नहीं होगा, मे बी वो डायरेक्टली आप अप्लाई कर पाओगे, उसके अंदर भी आपको कहीं पे जाना होगा। अगर ये ऑफलाइन हुआ तो जाना पड़ेगा, अगर ये ऑनलाइन होगा तो आपको कहीं पे भी जाना नहीं होगा, आपको सिंपली आपका जो अप्रोच, आपका सॉल्यूशन है उसको सबमिट करना होता है दूसरे हैकाथॉन्स के अंदर, एंड उसको इवैल्यूएट करने के बाद मे बी 1 डे ऑनलाइन हैकाथॉन या मे बी 1 डे और 2 डे ऑफलाइन हैकाथॉन के अंदर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना होता है आपका अप्रोच के अंदर, एंड एंड दिस इज हैकाथॉन, यही होता है हमारा हैकाथॉन। तो आप ज़रूर से ज़रूर आप इस एसआईएच हैकाथॉन के अंदर पार्टिसिपेट करना क्योंकि ये आपको एक कॉलेज लेवल के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर देता है जिससे आप मोटिवेट रहोगे हैकाथॉन्स के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, एंड आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी जल्दी से समझ में आने लगेगा, एंड मे बी आप क्या कर सकते हो, ये अच्छा सा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के बाद आप खुद का स्टार्टअप भी बना सकते हो, ये भी एक बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ होता है। लास्ट में मैं एक टिप देना चाहता हूँ कि अगर आप एसआईएच हैकाथॉन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो तो इसके अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि आपका अगर कुछ भी आप सोल्यूशन बना रहे हो उस सोल्यूशन को
यूजर फ्रेंडली होना चाहिए एंड स्केलेबल होना चाहिए, मतलब आप उसको आप नेक्स्ट स्टेप के अंदर ले जा सकते हो उससे। अगर एक स्टार्टअप या कुछ भी एक कंपनी बना सकते हो तो ये एसआई बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है कि अगर आपका सॉल्यूशन एक डेवलप होके एक अलग सॉल्यूशन बन सकता है जिसके अंदर एक कंपनी या स्टार्टअप बन सकता है, तो एसआई उसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता है। ओके, तो यही तक था हमारा एसआई एंड हैकाथॉन के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मे बी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग थोड़ा बहुत कोडिंग करेंगे एंड देखते हैं क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।